नमस्कार दोस्तों, यादव पलम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे कि अपन स्टॉप कॉक कैसे लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं स्टॉप कॉक अपने को सब इधर लाके रखे हैं और टोटल अपने पास 10 स्टॉप कॉक है, हर एक बाथरूम में लगाने का है। तो अपन इसको कैसे लगाएंगे और ये कितने रुपए के वो भी आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए। तो अभी आप स्टॉप कॉक देख सकते हैं कि अपन कैसे फिट किए हैं स्टॉप कॉक को, ठीक है। ये अपना 1/2 इंची स्टॉप कॉक है, ठीक है, ये अपना 1/2 इंची है और जो अपने को लगता था वही लाए हैं। और भी आता है इसमें, 1 इंची भी आता है, 1.25 इंची भी आता है, 1.5 इंची भी आता है, ठीक है। तो अभी स्टॉप कॉक को इधर अपनी को फिटिंग करना है। तो इसका फिटिंग भी टफ है, तो फिटिंग भी आपको देखना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी 10 का 10 इधर रखे हैं। तो क्या होता है ना, स्टॉप कॉक में डायरेक्ट प्रेशर आता है, तो इसमें अपने को प्रेशर अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। क्या होता है, एक मंजिल रहेगा ना तभी भी अपना इसमें पानी अच्छा आएगा। स्टॉप कॉक लगाने से यही फायदा है कि कम हाइट रहेगा फिर भी आपका शावर में अच्छा पानी आएगा, ठीक है। और क्या होता है, मिक्सर और अपना डाइवर्टर में उसमें बेंड ज़्यादा आता है, तो इसलिए अपन को शावर में पानी का प्रेशर कम मिलता है, ठीक है। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं क्योंकि अपने दो अपना MTA लगाने का है, जो कि इसमें क्या आता है ना, ये अपना 1.25 का MTA लगता है जो कि CPVC है। इसमें जो भी है सब CPVC का ही फिटिंग करने का है। अभी आप देख सकते हैं बेनिटोन कंपनी का स्टॉप कॉक है, जो कि जो स्टॉप कॉक है ना वो अपना मात्र 600 रुपये का है, यानी 600 रुपये में आपका सावर बन के तैयार हो जा रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये प्लेट है जो कि हर एक प्लेट के साथ एक एक एलंकी आता है, जो कि कंपनी खुद देता है एलंकी। क्या होता है, अगर उसका प्लेट निकाल के अपन रख देते हैं तो बाद में फर्सी लगने के बाद अपन लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी अपना टाइल हल्का ज़्यादा कटा रहता है ना उसमें वो मैनेज हो जाता है, वो फिर वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं जो भी है सब अपन करने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन स्टॉप कॉक में ये MTA अपन टाइट करने वाले हैं, तो अपन कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो कभी भी स्टॉप या अपना स्टॉप कॉक हो या फ्लस वाल हो या डाइवर्टर हो, तो अगर MTA का आप प्रयोग कर रहे हैं MTA या FTA को थ्रेड के ऊपर, तो अपने को टेपनल टेप लगा के फिर अपने को यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये टेपनल टेप लगाने के बाद इसका पकड़ अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें 20 अपना MTA है जो कि ब्रास में है CPVC। तो अभी इसको पूरा का पूरा फिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। और एक सैंपल के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। और इसका लाइनिंग जो होता है, तीर होता है ना, वो ऊपर के साइड चाहिए, यानी सावर में अपने को पानी आना चाहिए। जैसे इसको चालू करेंगे ना तो अपने को सावर में पानी आना चाहिए। तो स्टॉप कॉक का यही है, क्योंकि ऊपर से पानी इसका रिटर्न नहीं जाता है, इसका पानी नीचे से जाता है, तो इसलिए स्टॉप कॉक लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी सबका फिटिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये अपन कैसे इसको फिट किए हैं, ठीक है। तो भी सब फिटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं जो कि 10 का 10 अपना कैंसिल स्टॉप को फिटिंग कर दिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे अपन फिटिंग करते हैं और जैसे अपन डाइवर्टर हो गया और मिक्सर हो गया, तो उसमें ज़्यादा कटिंग विटिंग उसमें प्रेशर टूट जाता है। जो अगर अपन स्टॉप कॉक लगाते हैं तो ये प्रेशर डायरेक्ट सीधा जाता है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा आता है, ठीक है।
इसमें ज़्यादा और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये अपना 600 का स्टॉप कॉक है और अदर कंपनी अपने अपने रेट के हिसाब से मार्केट में आता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे ब्रांड लेंगे तो उसका रेट अलग आता है। ये बेरीटोन कंपनी का है, ठीक है। तो अभी जो भी अपना काम था, पहले अपन काम करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। क्या होता है ना, स्टोव को लगाने के बाद इसका लाइफ ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसमें मेंटेनेंस भी नहीं है, जैसे ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस नहीं आता है। जो भी अपना नल का स्पिंडल होता है ना, वैसे ही इसमें भी स्पिंडल होता है, तो अपन आसानी से खोल सकते हैं। और इधर अपना स्टोव पहले ब्रास्टी लगाना है, पौना भाई पौना का ब्रास्टी लगाना है इधर, और उसके बाद अपन स्टोव कोक लगाएंगे, उसके बाद अपन सावर लगाएंगे, ठीक है। तो भी जो भी अपना काम था वो सब अपन काम खत्म कर दिए। अभी फर्सी लगने के बाद अपन इसमें काम करेंगे, तो भी आप देख सकते हैं जो कि स्टॉप कोक को फिटिंग करने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ना, वो पूरा फाइनल होने के बाद एक बार आपको दिखाएंगे फर्सी लगने के बाद, कि स्टॉप कोक और मिक्सर और डाइवर्टर में क्या अंतर है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको मसाला से पैक करते हैं, जो भी पाइपलाइन है सब पैक करने के बाद अपन आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। और जो स्टॉप कॉक है ना, वो मात्र अपन को 600 रुपये में आए, मात्र 600 रुपये में स्टॉप कॉक, ठीक है। तो वही बोलते हैं अपन कि जो भी कंपनी है सब कंपनी का अलग अलग रेट आता है, ठीक है। और अपन फिट कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्लम्बिंग संबंधित वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।